एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया यहीं पुष्कर जी में, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया पुष्कर जी में कि गुरुदेव किस्मत वाला किसको कहते हैं, किस्मत वाला किसको कहते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, किस्मत वाला कहते हैं तो किसको कहते हैं। अब बहुत सारा जिसके पास धन होता है उसको किस्मत वाला कह देंगे क्या? बोलो रे जीजियों, ए पुष्कर वालियों, बोलो जरा, कहेंगे जीजाओं तुम भी बोलो रे अजमेर वालों, पुष्कर वालों, बोलो जिसके पास धन ज्यादा है उसको किस्मत वाला कहेंगे? नहीं। जिसको बहुत सुंदरता मिल गई, एकदम सुंदर दिखे, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। जिसके घर में तीन चार बेटे हो गए, छोरा छोरी हो गए, बड़ी बिल्डिंग बन गई, दो चार गाड़ियां आ गई, होटल दुकान जमीन पेट्रोल पंप सब हो गया, बहुएं भी आ गई, उनका छोरा छोरी भी हो गया, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। किस्मत वाला है इसको नहीं कह सकते। तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुम्हारे पास में लैपटॉप है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। किस्मत वाला किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मनुष्य शरीर पाकर उसके मुख से राम का, कृष्ण का, शंकर का नाम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले। भाग्यशाली इसी को कहते हैं जो शिव नाम में डूबा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा है। ये धन दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है, बोलो जम के सही है कि गलत है? किस्मत वाली खिलाती है क्या? अब ये संपदा, ये वैभव, ये धन, ये सुख तो कोई भी इकट्ठा कर लेता है, पर किस्मत वाला नहीं कहला। और ये बच्चे लोग कहें कि हमारे 3-4 बेटे हैं, 2-3 बेटियां हैं, हम किस्मत वाले हैं, पोता पोती है, हम किस्मत वाले हैं, तो ईमानदारी से बोलो, इतने सारे बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, तो ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु के भी ढेर सारे छोरा छोरी होते हैं, तो कभी अपन उनको कहते हैं कि ये किस्मत वाला? लंकाधिपति रावण को किसी ने किस्मत वाला कहा? नहीं कहा। राक्षस जरूर कहा, असुर जरूर कहा, पर किसी ने किस्मत वाला नहीं कहा। पर किस्मत वाले में भी 3 बड़े प्रबल किस्मत वाले हैं, 3 बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशालियों में भी भाग्यशाली हैं 3 प्रबल भाग्यशाली। पहला दशरथ जी महाराज, जिनके घर में राम जन्मे, बोलो भाग्यशाली हैं कि नहीं, किस्मत वाले हैं कि नहीं? राम जिनके घर में जन्मे, किस्मत। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा, बोलो भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं कि नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह भी किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जो अपने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं? बोलो, बोलो जम के बोलो, है ना? अब दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, किस्मत वाले हैं। गिद्धराज जटायु की गोद में, राम जी की गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं? पर अगर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन सा है, बहुत भाग्यशाली कौन सा है, प्रबल किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ, तो बताओ कौन पैदा हुआ? गिद्धराज जटायु।
दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्ध राज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया पर जब प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद को पाया, ये प्रबल किस्मत है, ये भाग्य है उसका।